हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लाना स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 6 इंच है, मोढ़े हमने 6 इंच पर काटा है, ये देखिए इस तरह से। और लंबाई हमारी 13 इंच है और चौड़ाई हमारी 9.5 इंच है। अब हम ऊपर से 2.5 इंच पर गले का निशान लेंगे। ये हमारा बोट गला ब्लाउज डिजाइन है। और नीचे भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से बॉक्स बना लेंगे और इसे देखिए राउंड शेप देंगे। इस तरह से हम राउंड शेप देंगे और अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए, हमने इसे काट लिया है और यहाँ पर देखिए हमने एक पेस्टी पेपर का टुकड़ा लिया है। ये 7 इंच की है इसकी चौड़ाई और लंबाई भी 7 इंच है। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए दिल जैसा शेप बनाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए हमने शेप बना लिया है और अब हम इसे काट लेंगे। ये देखिए, हमने इसे काट लिया है। ये देखिए, हमारा शेप बनकर इस तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए, अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को मिलाते हुए हम अच्छी तरह से पहले गले की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से गले की सिलाई लगा लिया है। अब बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे, हल्का हल्का कट लगा लेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। पलटते हुए अच्छी तरह से हम ऊपर से गले की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने ऊपर से गले की सिलाई लगा लिया है। अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को मिलाते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर देखिए, हमने जो पैटर्न काटा था उसे हम एक कपड़े पर अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे और बाहर जो कपड़ा बचा हुआ है उसे भी हम मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए, ब्लाउज का हम बीच सेंटर कर लेंगे। पहले अच्छी तरह से हमने ब्लाउज का बीच सेंटर देखिए कर लिए हैं और निशान लगा लिए हैं बीच सेंटर पर। इस पैटर्न का भी हम बीच सेंटर कर लेते हैं। तो देखिए, हमने बीच सेंटर इस पैटर्न का भी कर लिया है और दोनों को मिलाते हुए हम पिन अटैच कर लिए हैं। ऊपर से हम कच्चा सिलाई लगा लिए हैं। अब हम देखिए, इस पैटर्न के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से देखिए, हम सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छी तरह से हम देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं और इस यहाँ पर देखिए हम बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हम बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने काट कर निकाल लिया है। हल्का हल्का कट हम पूरे अथी पर लगा लेंगे, गले पर, और इसे हम पलटते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसे पलट लेंगे पहले। अब हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, कोने को पिन से निकाल लेंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो देखिए, हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर नीचे का दोनों प्लेट डाल लेंगे इस तरह से, देखिए। और यहाँ पर देखिए, हम प्लेट बना लेते हैं। और यहाँ देखिए, हमने एक नेट का टुकड़ा लिया है और इसे हम नीचे साइड रखते हुए पहले पिन अटैच कर लिए हैं और ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, हम ऊपर से सिलाई लगा लिए हैं। एक्स्ट्रा नेट को हम काट कर निकाल लिए हैं। अब हम ऊपर से लैस लगा लेंगे गले पर, इस तरह से देखिए। और नीचे भी हम इसके ऊपर जो पैटर्न बनाया है उसके ऊपर हम लैस लगा लेंगे। तो देखिए, हमने लैस लगा लिया है। यहाँ पर हम एक और पट्टी लिए हैं, करीब 1 इंच की है। इसे नीचे तरफ सिलते हुए हम अंदर की ओर मोड़ लेंगे। ये देखिए, हम अंदर की ओर मोड़ लिए हैं। तो देखिए, हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में दिखेगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।